हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जीमेल के लिए बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इंटरनेट अपने मोबाइल के अंदर चलाते हैं तो उसके अंदर आप एक जीमेल अकाउंट तो ज़रूर से बनाते होंगे, क्योंकि जीमेल अकाउंट की ज़रूरत हमें हर चीज़ में पड़ती है। हम किसी चीज़ को सिंक करने के लिए या किसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमें जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम जीमेल अकाउंट ज़रूर से बनाए हुए होते हैं। फ्रेंड्स, हम प्ले स्टोर के अंदर भी अपना जीमेल अकाउंट सिंक किए होते हैं एंड अदर वेबसाइट हमारी कुछ होती हैं जिसके अंदर हम अपना जीमेल अकाउंट सिंक किए होते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जीमेल अकाउंट हमारा हैक भी हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना फ्रेंड्स, हमारा जीमेल अकाउंट हैक भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने जीमेल अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हमारी होती है, और आजकल लॉकडाउन चल रहा है एंड यहाँ पर आपकी कोई भी यानी कि आपकी जीमेल को हैक कर सकता है। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बताने वाले हैं कि आप अपने जीमेल को हैक होने से किस तरीके से बचाएंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यूनिक टेक्निकल पॉइंट चैनल एंड मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूं। पहले आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाना है, जो आपको सिंपली से अपने मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाएगा। सिंपली जैसे कि मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र को फ्रेंड्स ओपन कर लेता हूं। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो करना है अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करना है, यूसी ब्राउज़र ये अदर ब्राउज़र आपको यूज़ नहीं करना है, बिकॉज़ ये हमारी जीमेल को हैक करने के चांसेस रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र में आपको बता देता हूँ कि आपको क्या सेटिंग करनी है जिससे आपका जीमेल अकाउंट हैक होने से बच सकता है। सो गाइस, देख लीजिए, हम जैसे यहाँ पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर हम जैसे कि 3 लाइन पर जाएंगे, और 3 लाइन पर जाने के बाद हम सिंपली से जो जाएंगे यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम सिंपली से जो जाएंगे सिंक एंड गूगल सर्विस आपको देखने को मिल रहा होगा। सिंक एंड गूगल सर्विस पर जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, पहले मैं यहाँ पर थीम को सही कर लेता हूँ, और यहाँ पर सिंक एंड गूगल सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा। सिंक एंड गूगल सर्विस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर इसका URL वगैरह को हम ऑफ़ कर देते हैं एंड शो सजेशन फॉर सिमिलर पेजेस व्हेन ए पेज कैन बी फाउंड, हम यहाँ पर इसको भी ऑफ़ कर देते हैं। सो गाइस, देख लीजिए, कुछ सेटिंग्स तो हमको यहाँ पर कर देनी है एंड कुछ सेटिंग्स हमको नीचे जाकर कर देनी है। हमें यहाँ पर नीचे जाकर देख लेना है, सिंक एंड गूगल सर्विस के नीचे 3rd नंबर पर यहाँ पर आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, जिसे मैं पासवर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, देख लीजिए, यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में हमारे कुछ इंस्टाग्राम पर जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए मेरे ये पासवर्ड सेव हैं एंड यहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भी सेव हो सकता है। और अब वो आपका पासवर्ड क्रोम ब्राउज़र में सेव होने के कारण आपके जीमेल को क्रोम ब्राउज़र हैक कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको किस तरीके से उसको रिमूव करेंगे, सो गाइस आप देख लीजिए, सिंपली से देख लीजिए ये मेरा यहाँ पर है और मैं इसको यहाँ पर मेरा पासवर्ड वगैरह सब सेव है इंस्टाग्राम को, और ये मेरे इंस्टाग्राम को हैक कर सकता है। और मैं सिंपली से जैसे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो देख लीजिए पासवर्ड यहाँ पर आ रहा है, हम सिंपली से इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और ये डिलीट हो गया है। एंड यहाँ पर अगर आपका जीमेल अकाउंट का भी पासवर्ड सेव है तो उसको भी आप यहां से डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि जीमेल अकाउंट का मैंने ऑलरेडी डिलीट किया हुआ है एंड यहां पर आप कर सकते हैं। ऑटो साइन इन सेव पासवर्ड यहां पर हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, अगर आप अपने पासवर्ड को सेव रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर नेवर सेव, यहाँ पर हमारी बिल्कुल भी मैंने यहाँ पर परमिशन नहीं दी हुई है अपने पासवर्ड को सेव करने के लिए। सो गाइस, चलते हैं, देखते हैं कि एक और ट्रिक से हम किस तरीके से अपने जीमेल अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। एक सेटिंग हमारी यह है, सिंपली से हम 3 लाइन पर फिर से जाएंगे एंड यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी का, सिंपली से हम प्राइवेसी पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर हम क्लियर ब्राउजिंग डाटा हमको देखने को मिल जाएगा। हम टाइम पर इस यानी कि कैश्ड एंड कुकीज़ को हम सिंपली से क्लियर डाटा कर देंगे एंड यहाँ पर हम इसको क्लियर कर देंगे। फ्रेंड्स, हम टाइम पर ये चीज़ें करते रहेंगे एंड डोंट ट्रैक यहाँ पर हम देख लीजिए हम इसको ऑफ़ कर देंगे, और कोई भी यहाँ पर ट्रैक नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, हमारे क्रोम ब्राउज़र को ट्रैक करके हमारी जीमेल को कोई भी यहाँ पर हैक कर सकता है। हम डोंट ट्रैक यहाँ पर इसको ऑफ़ कर देंगे एंड यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग को टाइम पर हम क्लियर करते रहेंगे। सो गाइस, ये सब सेटिंग्स करने के बाद आपका जीमेल अकाउंट हैक होने से सिंपली से बच जाएगा एंड यहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट कोई भी हैक नहीं कर सकता है। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, जो मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आएगी वो आप सबसे पहले देख सकते हैं और वीडियो को सबसे पहले देख के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड स्टे एट होम फॉर कोरोना वायरस।